दोस्तों, अगर आप लद्दाख जाना चाहते हो तो आपको श्रीनगर से NH1 के ऊपर से जाना पड़ता है, और जो NH1 जो रोड है जो बड़े बड़े माउंटेन पासिस से होकर जाता है और जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी की वजह से ये रोड 7 महीने तक बंद रहता है। लेकिन इंजीनियर्स ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। इसके लिए जोजिला पास के ऊपर एक टनल बनाया जा रहा है जिसका नाम है जोजिला टनल। इस टनल की लंबाई 14.2 किलोमीटर होने वाली है। यह टनल इंडिया का ही नहीं, जब बन जाएगा तो ये एशिया का सबसे लंबा रोड टनल होगा। जोजिला पास जो कि श्रीनगर से ले जाते हुए एक माउंटेन पास आता है, इस पास के ऊपर ही बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है और बहुत ज़्यादा एवलांचेस आते हैं, तो इसी को बाईपास करके जहाँ से एक टनल बनाया जाएगा जो कि सोनामर्ग और द्रास जो कि कारगिल में है उसके बीच में ये टनल बनेगा। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर एक बॉर्डर एरियाज हैं जिसकी वजह से ये टनल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जल्दी से जल्दी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। चलिए आपको टनल के बारे में बताते हैं। यह टनल 14.15 किलोमीटर लंबा होने वाला है जिसको लगभग 68,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके साथ में एक एस्केप टनल भी बनाया जा रहा है। 2018 में PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट करा था, लेकिन इसका काम 2020 में ही स्टार्ट हुआ। इस टनल को मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL द्वारा बनाया जा रहा है। जब यह टनल बन जाएगा तो हमारे जो जिजिला पास को क्रॉस करने में 3 घंटे लगते थे उसको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। चलिए आपको इस टनल के कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में बताते हैं। इस टनल को एज ए स्मार्ट टनल बनाया जा रहा है जिसके अंदर मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, जैसे फुली ट्रांसफर वेंटिलेशन, CCTV मॉनिटरिंग, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एमरजेंसी कॉलिंग, वेरिएबल मैसेज साइंस, टनल रेडियो सिस्टम, फायर फाइटिंग कैबिनेट्स और बहुत कुछ। इसके अंदर मोटरेबल क्रॉस पैसेज बनाए जाएंगे जो कि एवरी 75 मीटर पे होंगे। साइड से बड़े बड़े पहाड़ों से पानी अंदर ना आए उसके लिए PVC मेम्ब्रेन लगाई जा रही है जिसको गैंट्री मशीन से लगाया जाता है। दोस्तों, अब की बात करें तो इस टनल का काम चल रहा है, साथ साथ PVC मेम्ब्रेन का काम भी चल रहा है। इसका हम बात करें तो 50% तक काम इसका कम्प्लीट हो चुका है। आपको क्या लगता है जब कब तक बनके तैयार होगा? गवर्नमेंट का कहना है कि जो 2024 तक रेडी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।